नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं शुभमन गिल स्पेशल रणतंत्र। हमारे प्रिंस की वापसी हो चुकी है। वैसे तो मैं अहिंसा का समर्थन करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिन जिन लोगों ने शुभमन गिल को ट्रोल किया था उनकी गुद्दी पकड़ने का मन हो रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत तो मैं भी शामिल हूं। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये बोला था कि गिल घंटे के प्रिंस हैं, उनको तो मारो 10 और गिनो 1, क्योंकि जब गिल खेलने आए तो हेटर्स के लिए बिल्कुल इस एटीट्यूड में आए। पिछली बार क्या बोला था? और इसके बाद सारे के सारे हेटर्स अंडरग्राउंड हो गए। ट्रोलर्स की तो रोजी रोटी छीन गई भैया। अब उनको एक नया प्लेयर चाहिए होगा ट्रोल करने के लिए। पाकिस्तानियों को खासकर दुख हुआ, क्योंकि घंटे के प्रिंस का घंटे के किंग से कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन अब तो बाबर को अकेले उस कैटेगरी में रहना पड़ेगा। पर जो भी बोलो भाई, गिल ने मौज करवा दी। अब कल का मंडे थोड़ा कम मनहूस लगेगा गिल की वजह से, और कल तो कहो इंग्लैंड का बोरिया बिस्तर भी सिमट जाए, क्योंकि जो टारगेट है वो उनकी औकात से बाहर है। काम करते हैं, शुरू करते हैं कि मैच में हुआ क्या। दोस्तों, दिन का खेल जब शुरू हुआ तो खुद पर लानत देने के साथ शुरू हुआ। लानत इसलिए क्योंकि जेम्स एंडरसन को बॉलिंग करता हुआ देख रहे थे हम। 41 साल का आदमी 141 की स्पीड पर बॉलिंग कर रहा है। यहां हमको कोई बोल देता है कि 100 मीटर जॉगिंग कर लो तो फेफड़े खुद बाहर आकर बोलने लगते हैं कि भाई रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। ये आदमी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहा था हमको। 41 साल की उम्र में इंसान को अपने बच्चों की करियर की टेंशन हो जाती है, इसका खुद का करियर नहीं खत्म हो रहा भाई साहब। खेल शुरू होने के एक घंटे के अंदर यशस्वी जायसवाल और शर्मा जेम्स एंडरसन की वजह से पवेलियन के अंदर थे। रोहित शर्मा पर तो हम कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि फॉर्म में तो है नहीं। लेकिन श्रेयस भाई, आपसे पूछना चाहता हूं, कौन से मुहूर्त में चलोगे? हालांकि पहले सेशन में इंडिया ने रजत पाटीदार का विकेट भी गवाया, लेकिन एक तो पाटीदार पहले ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं इसलिए उनको माफ किया जाएगा। दूसरी बात यह कि पाटीदार ने जो 19 गेंदें खेली उसमें भी वो कंफर्टेबल तो नजर आए। अय्यर तो ऐसा लग रहा था जैसे कठपुतली का नाच नाच रहे हो, जिनकी डोर ऊपर किसी और के हाथ में थी। कुल जमा बात यह कि लंच तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 130, लीड 273 की। यहां तक भी टीम इंडिया कमांडिंग पोजीशन में आ गई थी, लेकिन हमारी सांस में सांस आई लंच के बाद, जब फाइनली प्रिंस ने प्रिंस वाला काम करके दिखाया और अपने ऊपर लगे घंटे के प्रिंस वाले टैग को घंटा घर भेज दिया। कल के दिन का खेल खत्म होने के बाद जहां बाकी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में आराम करने चले गए थे, गिल बाहर निकलकर प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी भाई को पता था कि उसके पास आखिरी मौका है, और कसम से खेला भी उन्होंने बिल्कुल वैसे ही। विशाखापट्टनम में हमारे पुराने शुभमन गिल वापस आ गए, जो निडर थे। रेहान अहमद की एक ही ओवर में उन्होंने छक्का और फिर 2 चौके लगाए और दिखा दिया कि वो माइलस्टोन के लिए भी नहीं खेल रहे। सबको पता चल गया था कि सेंचुरी लोडिंग होने वाली है, और बस कुछ ही समय बाद सेंचुरी लोड हो गई, जिसकी गिल को और टीम इंडिया को बहुत जरूरत थी। इसमें उनको भरपूर मदद मिली अक्षर पटेल की, जिनके साथ एक बहुत ही बढ़िया मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप हुई। और हालांकि दूसरे सेशन में गिल 104 के निजी स्कोर पर आउट हो गए, एक अक्षर भाई की हाफ सेंचुरी और हो जाती तो दिल को थोड़ा और सुकून मिल जाता। लेकिन इसके बावजूद चाय तक भारत का स्कोर था 228/6, लीड थी 371 की। चाय के बाद इंग्लैंड का पहला काम यह था कि किसी तरह इंडिया की इनिंग को निपटा दिया जाए। लेकिन हमें पता है कि इंग्लैंड वालों, तुम लोग बड़े हरामी हो बेटा। 400 का भी टारगेट मिला तो कहो चेस कर जाओ। इसीलिए हम तो यही चाह रहे थे कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, 500 के ऊपर का टारगेट दो। लेकिन अश्विन को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाया। बुमराह ने गेंदे भले ही 26 खेल ली हो, लेकिन देकर वो गए अंडा ही। नतीजा हुआ चाय के बाद इंडिया 255 पे ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के पास जीतने के लिए 399 का टारगेट। जैसा कि हमें उम्मीद थी, इंग्लैंड वालों ने बिल्कुल वैसे ही खेलना शुरू किया जैसे उन्होंने हमसे नहीं, हमने उनसे कोहिनूर चुरा लिया हो। दोनों ओपनर में 50 की पार्टनरशिप हुई, लेकिन अश्विन के आते ही इंडिया को विकेट मिल गया। कुछ ही ओवर बाकी थे इसलिए इंग्लैंड ने नाइट वॉचमैन के तौर पर रेहान अहमद को उतार दिया, और दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 1 विकेट के नुकसान पर 67 बना चुका है। अब मामला यह है कि इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए 332, इंडिया को चाहिए 9 विकेट। कल ही मामला रफा दफा हो सकता है। रोहित भैया संभाल लेना, मेरा दिल यहां पर नहीं टूटना चाहिए। 400 का टारगेट अगर इंग्लैंड ने बना दिया तो मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, क्योंकि मैं फिर कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा किसी को। इसलिए कल बिल्कुल हल्का मैटर नहीं चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, गिल की तारीफ से भर डालना। वीडियो के लाइक का बटन भी जरूर दबाना, वो भी शुभमन गिल के रिस्पेक्ट में। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल दिन का खेल खत्म होने के बाद। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद।